am Dr. Sonal, Director and Head Neurosurgery, Fortis Hospital, Shalimar Bagh. We are starting a 17-bedded neurosurgery dedicated ICU here, which is very well equipped with all high-end monitors, every bed having a DVT pump and the air mattresses to prevent complications in these neurosurgical patients. This ICU will be managed by our critical care team, highly qualified critical care team dedicated for neurosurgery care, along with neurosurgical patient trained nursing staff also. Now this helps us to pick up the problems in neurosurgical patients very fast, like decreasing consciousness level and things like that, which helps in making the patient care much better and the outcome becomes much better. Neurosurgery ICU is the need of the hour. Neurosurgery ICU mein hum log brain tumors, brain stroke, particularly brain hemorrhage, head and spine trauma ke critical patients ko admit karte hain. Isme जो इलाज होता है, एक तो क्रिटिकल पेशेंट का हम लोग इलाज करते हैं जो ऑलरेडी सिक हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ऐसे पेशेंट्स में, उसको हम कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ सेकेंडरी ब्रेन डैमेज. कि जैसे पेशेंट एक अनकॉन्शियस होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें और डेवलप होती हैं जिससे ब्रेन में फर्दर डैमेज बढ़ जाता है. ऐसी चीज़ों को जल्दी से पकड़ने के लिए समय पे, क्योंकि जिसको हम कहते हैं मार्जिन ऑफ एरर इन ब्रेन पेशेंट्स और सिक क्रिटिकल पेशेंट्स इज़ वेरी लेस, तो हमें समय पे इसको डिटेक्ट करना होता है और एक्शन लेना होता है. कई बार ऐसे पेशेंट्स में हमें मिडनाइट में भी आके सर्जरी करनी पड़ती है. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ न्यूरोसर्जरी के सिक पेशेंट्स के लिए होती है न्यूरो रिहैबिलिटेशन, जो हमें डे वन पे ही स्टार्ट करनी पड़ती है. उसके लिए हमारे पास का वेल ट्रेंड न्यूरो रिहैबिलिटेशन की टीम है, जो ऐसे पेशेंट्स का समय पर और उचित इलाज किया जाता है. द पोस्ट ऑफ केयर ऑफ न्यूरोसर्जिकल पेशेंट्स इज डिफरेंट एज वेल एज इम्पॉर्टेंट फॉर द गुड आउटकम्स. टाइमली मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस अराइजिंग बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएटिंग न्यूरोलॉजिकल स्टेटस एंड द प्रोलॉन्ग्ड आईसीयू स्टे इज हाईली डिजायरेबल. वी हैव डेडिकेटेड न्यूरोसर्जिकल स्टाफ फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शंस. जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो प्रोलॉन्ग्ड आईसीयू में पेशेंट रहते हैं, उसमें रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस का चांस बहुत ज़्यादा रहता है. तो हमारे पास आइसोलेशन रूम्स हैं और ट्रेंड स्टाफ है जो कि इस चीज़ में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है. आइसोलेशन रूम्स और हाईली ट्रेंड स्टाफ के अलावा हमारे पास हाईली एडवांस्ड इक्विपमेंट है, जैसे कि जो न्यूरोसर्जिकल पेशेंट्स में ओटी में और आईसीयू में यूज़ होता है, जैसे कि ट्रांसक्रेनियल डॉपलर या फिर आईसीपी मॉनिटरिंग. इसके अलावा लाइंस वगैरह डालने के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन, और ये सब इसमें अवेलेबल है. हमारे न्यूरोसर्जरी आईसीयू की स्ट्रेंथ है हमारी टीम. मैं या डॉक्टर दुआ यहाँ पे कोई अकेले काम नहीं करते, ना डॉक्टर पंकज डॉक्टर अमित अपनी टीम के साथ काम करते हैं. हमारे डिटेल्ड मॉर्निंग राउंड्स along with inputs from everyone, including the nurses who are very well trained in neurosurgical care, uski wajah se hame lagta hai ki hamare neurosurgical outcomes with grace of God are probably far better, and we are thankful to entire team for working like one team, and that is our strength. Thank you.